अरफा न्यूज 18 इंडिया पर इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। जैसा मैंने आपको ब्रेक से पहले बोला था, दो बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया है। राहुल के बयान पर जवाब मांगा है। राहुल गांधी ने महिला के उत्पीड़न की बात करी थी सोशल मीडिया के माध्यम से। पुलिस ने पीड़िताओं की जानकारी मांगी है, कहा है कि आप जानकारी साझा करिए। महिलाओं के शोषण का आरोप लगाया था राहुल गांधी ने। श्रीनगर में राहुल ने दिया था यह बड़ा बयान। मैं आपको बता दूं, यह समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। राहुल गांधी ने रिसीव किया है नोटिस और दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अगर आपके पास जानकारी है तो जानकारी हमारे साथ साझा करिए, क्योंकि हम इस अगर उत्पीड़न हुआ है तो हम कार्रवाई कर सकें। ये बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में दिल्ली पुलिस की तरफ से। राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस की तरफ से नोटिस जारी हुआ है, राहुल गांधी ने रिसीव कर लिया है नोटिस। इस समय की बड़ी खबर है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि टीएमसी ने बड़ा झटका दिया है। उसने बोला कि जेपीसी अदानी के मामले में नहीं चाहिए, क्योंकि बोफोर्स घोटाला जो था उसमें हम जेपीसी का हश्र और हाल देख चुके हैं, यानी कांग्रेस को आईना दिखाया है। तो ये मैंने जैसा ब्रेक से पहले आपको वादा किया था, दोनों बहुत बड़ी खबरें हैं। टीएमसी का ये बहुत बड़ा बयान है। मैं सीधा रुख कर सकता हूं रोहन गुप्ता का। रोहन गुप्ता, राहुल गांधी को पहला तो नोटिस और दूसरा टीएमसी ने अब झटका दे दिया है, क्या कह रहे हैं आप रोहन गुप्ता? देखिए, नोटिस तो आते रहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी जब बोलते हैं तब ऑब्वियसली भाजपा हो या जो लोग भी हो सत्ता से लिंक लोगों, सारे लोग लेंस लगा के पूरा देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। मजबूरी है, क्योंकि मालूम है कि कल उठ के जवाब देना है, चार बेरोजगार मंत्रियों को रोजगारी मिल जाएगी, लेंस लेके बैठेंगे। मेरा ये कहना है अमीश भाई, जो पहले भी बात हो रही थी भाजपा प्रवक्ता ने कहा, लेकिन ये नोटिस महिला चैलेंज के साथ मामले में जारी हुआ है, ये सामान्य नोटिस नहीं है। महिला उत्पीड़न का जो आरोप राहुल गांधी ने लगाया था उनके पास जानकारी है तो देनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाले सुनते हैं नोटिस, दिल्ली पुलिस ने जारी किया नोटिस, मैं आपको बीजेपी ने जारी नहीं किया नोटिस। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए नोटिस, मैं आपको वही बोल रहा हूँ। तो हम तो वही तो बोल रहा हूँ, नोटिस जारी किया है। जब आपने कहा कि राहुल जी ने एक्सेप्ट किया है तो पार्टी जवाब देंगे राहुल जी, अभी तो कहा, अभी तो नोटिस आया ना, अभी तो ब्रेकिंग न्यूज आप दिखा रहे हैं। आप जवाब का भी ब्रेकिंग न्यूज दिखाइएगा, मैं खुश हो जाऊंगा। देखिए मुद्दा यहाँ पे क्या है अमीश भाई, पूरे देश में हम देख रहे हैं, हम हाथरस की हम बात करें, हम उन्नाव की बात करें, महिला उत्पीड़न के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसकी बात करें, हकीकत तो है। जो दिल्ली पुलिस ने स्पेसिफिक बोला उसका राहुल गांधी जी स्पेसिफिक जवाब देंगे, मुद्दा नंबर वन। मुद्दा नंबर वो आपने बात की टीएमसी की, बात वो तो दिख ही रहा है ना। आज यहाँ पे जो लोग, कई लोग हैं जिनकी मजबूरी है, कई लोग बोल नहीं पाते हैं क्योंकि मालूम है कि आगे उनको अपना काम करवाना है तो बोलना नहीं है। कोई लोग डर सकते हैं, कोई लोग नहीं डरेंगे। राहुल गांधी की पार्टी डरी हुई है कि वो डरते नहीं है जब जनता की, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं। जो आदमी नहीं खड़े होना चाहते हैं कि जनता की बात, मैं वही बोल रहा हूं कि जो लोगों को कहना भी चाह रहे हैं, नहीं भी कहना चाह रहे हैं, जो भाजपा है, मैं आपको बता रहा हूं वो, आप, मैं तो बोल रहा हूं ना कि जो लोग डर रहे हैं, आज तो राहुल गांधी तो नहीं, तो ममता जी डर रही है, तो ओपनली बोल रहे हैं, संसद में बोल रहे हैं, संसद आप कह रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं ममता बनर्जी डर रही है जेपीसी से। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि अगर जेपीसी की मांग अगर कोई नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं डर बोल रहा है, मैं यही बात बोलना चाह रहा हूं। तो ममता बनर्जी डरी हुई है जेपीसी की मांग, जब हम संसद ममता देश की जनता की, मैं जनता, यस बिल्कुल, वो आपको आईना दिखा रही है, वो कह रही है जेपीसी में बोफोर्स स्कैम में क्या हुआ था वो जब ने देखा था। ममता बनर्जी डरी हुई है आप कह रहे हैं, मैं आपको वही कह रहा हूं, कांग्रेस प्रवक्ता का ऑफिशियल बयान है कि ममता बनर्जी डरी हुई है, टीएमसी डरी हुई है। अब मुझे मत डराइए आप, नहीं मैं नहीं डरा रहा, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, आप डरिए मत भाई, मेरे सवाल पूछ रहे थे। अगर आपको मेरे सवाल पूछने से डर लग रहा है, मैं बोल रहा हूं डरिए मत, क्या बोलूं आप, डरिए मत, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, तीन बार बोल चुका हूं, आपकी ऑफिशियल लाइन है कि टीएमसी ममता बनर्जी डरी हुई है। सुन लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग भी जेपीसी की मांग के खिलाफ हैं वो सरकार से डरे हुए हैं। हम लोग जेपीसी की मांग कर रहे हैं और 16 पार्टियों ने जेपीसी की मांग मजबूती से की है। मुद्दा नंबर वन, भाजपा की मजबूरी क्या है? अभी भाजपा प्रवक्ता जो थे, जो सांसद है, उन्होंने कहा, अरे भाई साहब इसकी भी तो बात कीजिए ना, आपको लगता है कि राहुल गांधी जी ने गलत बोला, आप एक्शन लेके दिखाइए ना, आप बीच में मत बोलिए। अमित जी मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए, मुझे मेरी भी लय जो डिस्टर्ब हो रही है। आपने कहा कि राहुल गांधी जी ने गलत बोला, आप एक्शन लेके दिखाइए, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, कहीं पे भी देश के खिलाफ नहीं बोला, उन्होंने यही कहा। और माफी तो आपको मांगनी चाहिए देश से, बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए माफी मांगिए। आप मीडिया के ऊपर जो अटैक करें उसके लिए माफी मांगिए, विपक्ष के नेताओं के ऊपर अटैक करें उसके लिए माफी मांगिए, आज तक 2 करोड़ नौकरियां कहां गई हर साल उसके लिए माफी मांगिए, किसान की आय दुगनी नहीं कर पाए उसके लिए आप माफी मांगिए, महिला उत्पीड़न के लिए
माफी मांगी है आप। हर भारतीय को घर देने वाले थे, वो नहीं दे पाए, उसके लिए माफी मांगी। हम तो आपको एक्सपोज करेंगे। क्या भाजपा का विरोध भारत का विरोध है? नहीं, ये बात बंद करिए। राजीव प्रताप रूढ़ी, राजीव प्रताप रूढ़ी जवाब बंद कीजिए। राजीव कर पाएंगे।